एक आफत आ पाई। उस टाइम ये शख्सियत वो शख्सियत है जिसने पार्लियामेंट के अंदर 3 घंटे बैठे रोया है जम्मू कश्मीर के लिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर को आप दोबारा से संभालिए, आप दोबारा से हमारे बीच में चीफ मिनिस्टर बन के आ जाइए। हम जम्मू कश्मीर कर सकता। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बीजेपी को जो करना है करने दो, लेकिन आप लोग एक हो जाओ। सलाम अलैकुम। हमारा गोजर लीडर जनाब चौधरी नजीर साहब कोंडला की से, मैं उसको परेशानी के खिलाफ, इस गोली बंदूक के डर के खिलाफ जदोजहद जारी रखना। लिहाजा हमारी जदोजहद जारी रहेगी जब तक हमें स्टेट फूड वापस नहीं आती। जैसे 4 अगस्त 2019 तक थी, जैसी स्टेट 2019 के 4 अगस्त तक थी वैसी स्टेट हमको वापस आनी है, और वैसी ही असेंबली, ये यूटी वाली असेंबली नहीं, जम्मू कश्मीर की असेंबली, जब तक वो वापस नहीं आते, इलेक्शन नहीं आते, स्टेट रूट नहीं बनते, हमारी जद्दोजहद बराबर कायम रहेगी, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी हो, उसके लिए जान की कुर्बानी हो, माल की, क्योंकि वो हमारी पहचान है। मैं दुनिया भर घूमा मिनिस्टर के होते, लेकिन जब भी किसी को मालूम होता था कि मैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर, बाहर तो कश्मीरी बोलते हैं, वहां जम्मू को ज्यादा पता नहीं, विदेश तो सब लोग को छोड़कर मेरे पास आया। मैं एक किस्सा आपको बताऊंगा। अभी चिनाब वैली में मीटिंग की, कटरा मैंने की, मैंने वहां जिक्र नहीं किया, लेकिन जहां मिलिटेंसी है सर, तो पूरी स्टेट में ये दो जिले ऐसे हैं, दो तीन जिले खास तौर से कुलगाम है, शोपियान है, पुलवामा है, ये तीन डिस्ट्रिक्टों में जबरदस्त मिलिटेंसी है और रही है। तो यहां इसलिए मीटिंग की, 3 साल के बाद मीटिंग हुई कि यहाँ इनका जो मनोबल है इनको बूस्ट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, ये नहीं समझे कि हमारा कोई है नहीं, हम किसी के रहम करम पे, हमको कोई मारेगा तो कोई पूछेगा नहीं। इसलिए ये जरूरी है कि जहाँ मिलिटेंसी जिन इलाकों में ज्यादा रही है, लीडरों को वहाँ जाने चाहिए। अभी ये वोट कौन पार्टी क्या पार्टी, उसमें मैं नहीं जाता हूँ, मैं ना मैं किसी पार्टी के खिलाफ अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि वो माहौल अभी स्टेट में नहीं है कि हम एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ बोले। बल्कि मैं चाहूंगा कि सबसे पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी है, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि बजाय एक दूसरी पार्टी के अभी गाली गलोच देने के या एक दूसरे के लीडर देने के, मैंने जम्मू कश्मीर में माहौल ऐसा बनाए कि जिससे लोगों को यकीन आ जाए कि भाई सियासत हो सकती है, इलेक्शन हो सकती है। वरना कभी कभी ऐसा हुआ है कि इलेक्शन तो करा लिए लेकिन पोलिंग बूथ पे नहीं आए। तो इसलिए मैं अपने साथियों से भी कहता हूं कि किसी लीडर को, किसी पार्टी को गाली मत दें, दूसरी पार्टी से भी मैं ही गुजारिश करता हूं, फिलहाल आप सिर्फ यही माहौल बनाओ कि कश्मीर में और मिलिटेंसी जिन एरियाज में है, चाहे वो चिनाब वैली में थी या हमारे पीर पंचाल में थी, वहाँ हमें माहौल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग बहुत पस्त हो गए हैं, लोग परेशान हैं, लोग बहुत मायूस हैं। इन इलाकों में एक किस्म की मायूसी है, जम्मू में और
कठुआ में, उधमपुर में दूसरी किस्म की मैं गुजारिश करूंगा, देखो मैं गुजारिश करता हूं गवर्नमेंट से, वैसे भी हमारे यहां तो अगले 4 महीने में तो मौसम है ही नहीं इलेक्शन, अगर डिलिमिटेशन भी हुई होती वो चाहते भी तो हम नहीं कहते, क्योंकि दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च बल्कि 5 महीने 4 महीने हैं, इनमें तो कश्मीर में और चनाब वैली में और पीर पंचाल में इलेक्शन ही हो ही नहीं सकता।